खबर रीवा से है, जहां हजरत इमाम साहब दाता सरकार बड़ी दरगाह में 3 दिवसीय उर्स बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। अंतिम दिन शाही संदल शहर में निकाला गया, जिसमें समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। 3 दिनों तक चलने वाले इस उर्स में काफी संख्या में लोग पहुंचे, जहां पर सुबह और शाम लंगर की भी व्यवस्था की गई। रविवार को उर्स का समापन हो गया। रविवार को हजरत इमाम साहब दाता सरकार बड़ी दरगाह का 3 दिवसीय उर्स बड़े ही धूमधाम से समाप्त हुआ। उर्स की मुख्य रस्में कुरान खानी, गुसल, चादर पोशी, फातिहा शरीफ तथा लंगर का कार्यक्रम 11 मार्च से 13 मार्च तक अकीदत व एहतराम के साथ अदा किया गया। 13 मार्च को नमाज जोहर से शाही संदल बड़ी दरगाह से चलकर शहर का भ्रमण करते हुए सिरमौर चौराहा, कॉलेज चौराहा, प्रकाश चौराहा, अस्पताल चौराहा होकर बड़ी दरगाह पहुंचा, जिसके बाद चादर पोशी की गई। रविवार को उर्स के समापन के अवसर पर बड़ी दरगाह शरीफ में लोगों की काफी भीड़ रही। वहीं लंगर का भी आयोजन किया गया। वहीं देर रात तक लोगों के आने जाने का सिलसिला जारी रहा। के महान सूफी संत हजरत इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह का ये सालाना उर्स बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा, जो कि पिछले 2-3 साल से कोविड की वजह से हम लोग नहीं मना पाए। इस साल बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा जोशो खरोश से, जिसमें 3 दिवसीय प्रोग्राम था। और आज जो सुबह का अंतिम दिन है, जिसमें कुरान खानी, तकरीर, लंगर का जो है कि चारों टाइम जो खाने पीने का आम चलता है। और यहाँ पे जिले भर के जितने भी अकीदतमंद हैं वो आते हैं और नजराना चादर पेश करते हैं। और अब यहाँ पे एक शाही संदल भी निकलता है, जो कि पूरे शहर का गश्त करते हुए फिर यहाँ पे आकर के चादर पोशी करता है। हाजी मोहम्मद इकबाल, अध्यक्ष इंतजामिया कमेटी बड़ी दरगाह। कमेटी की जानिब से 3 दिन का शाही संदल लंगर शरीफ, यहाँ 3 दिन दोनों टाइम लंगर चल रहा है। जो बाहर से आए मुसाफिर उनके लिए पूरा इंतजाम है, और जो भी आ रहे हैं उनके लिए भी पूरा इंतजाम है। और हर साल 2 साल से हम लोग खुद पीछे थे कोविड के कारण, लेकिन अब की साल जो भी हमारे भाई आ रहे हैं शहर से उनका स्वागत है। और आप लोग आइए, बाबा का दर्शन कीजिए। मोहम्मद सलीम उपाध्यक्ष।